कर रहा था, इन चोरों का, इन डाकुओं का, इन लुटेरों का, के जिन्होंने गरीब की जिंदगी अजाब बना दी है। खान साहब का मलक अजमल साहब हमारे भाई हैं, उनका जुलूस आया है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जलसा नहीं है। खान साहब को मैंने फोन पे ये कहा है, खान साहब कि हमें फैसला करना है, या आर करना है या पार करना है। ये चोरों डाकुओं लुटेरों अंदाजा करें कि जो तुर्की ने सैलाब में हमें टेंट और कैंप भेजे थे, इन्होंने ये वही कैंप और टेंट जो है शबाज वापस लेके गया है तुर्की में। और ये इतना शौक रखते हैं, मैं कभी ख्वातीन के बारे में बात नहीं करता। मरियम बीबी साहबा, अपने शोर को तो अपने साथ मिलाओ। मरियम बीबी, तुम्हारा बयानिया तुम्हारे घर में नहीं माना जा रहा। आप कह रही हैं कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, तो फिर किसकी है? उसका नाम लो। अगर ये हुकूमत तुम्हारी नहीं है तो जुर्रत करो, नाम लो। मेरे घर में डकैती डाली गई है, कल मुझे खान साहब ने बुला लिया है और मैं मोहलत देता हूं इतवार तक की। इतवार की शाम तक जो डाकू पुलिस के रूप में मेरे घर से मेरे पैसे, मेरे फोन, मेरा असला और मेरी चीजें लेकर गए हैं, आज शाम तक वापस करा दें, कर दें, वरना मैं पर्चा दूंगा। वरना इस मुल्क में मेरे साथ मेरे भाइयों किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। दो रातें जगाए रखा, खैर है कोई बात नहीं, बिल्लों के लिए दो रातें कुर्बान। हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, अपनी अजीम फौज से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। हम उस डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं जिसको रात के अंधेरे में इमरान खान को दो वोटों की खरीदो फरोख्त से निकाला गया। किसी को शक नहीं होना चाहिए, अगर ये मेंबर